जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। माता वैष्णो देवी के दर्शन को जाने से पहले दो लाइनें याद आती है कि माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, कि माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, माता जिनका नाम पुकारे वो लोग किस्मत वाले होते हैं। और ये जो माता रानी का एक भव्य मंदिर यहाँ बनाया गया है, वह महानुभाव जिनका नाम है जेसी चौधरी, दिल्ली निवासी जेसी चौधरी एक बहुत बड़े कारोबारी है और उन्होंने यह मंदिर वृंदावन में बनाया है। मथुरा जिले के अंदर वृंदावन स्थित जो यमुना हाईवे है, उस यमुना हाईवे से पहले यह वृंदावन धाम बनाया गया है। इस वृंदावन धाम की खासियत है कि यहाँ पर वैष्णो देवी की विशाल मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। यह विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है, तकरीबन 141 फीट ऊंची मूर्ति यहाँ पर विराजित है। और इस वैष्णो देवी धाम में दर्शन करने के लिए पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि पूरे दुनिया से श्रद्धालु वैष्णो माता का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। अति विशाल मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ का दृश्य मनोहारी है। जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले काउंटर से अंदर जाने के बाद आपको वहाँ पर आपके नाम का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। यह रजिस्ट्रेशन फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। जब आप वहाँ से अंदर करते हो तो आपका सिक्योरिटी चेक होता है, फिर सिक्योरिटी चेक होने के बाद आप आगे बढ़ते हो तो एक बोर्ड दिखाई देगा, उस बोर्ड पर आपको दिशा निर्देश दिया गया है। यहाँ पर माता वैष्णो देवी का एक सुंदर प्रतिमा यहाँ पर बहुत बड़ी है, गुफा बहुत बड़ी बनी हुई है जिसके अंदर नव दुर्गा नव देवियाँ स्थापित है। इसके अलावा यहाँ पर आर्ट गैलरी है और म्यूजिकल फाउंटेन है। ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने के बाद मन मोहित हो जाता है। जब हम माता वैष्णो देवी के चरणों की ओर बढ़ते हैं, जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले माता माँ गंगा और माँ यमुना, इन दोनों की प्रतिमाएं दोनों ओर लगी हुई है। सुंदर प्रतिमाएं यहाँ पर है। हम यहाँ पर जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी हम अनूठे जगह पर आ गए हो। यह विशाल मूर्ति देखने के बाद मन श्रद्धा से भर जाता है, मस्तक अपने आप झुक जाता है। यहाँ पर माँ के चरणों में हनुमान जी विराजित है। वृंदावन के इस वैष्णो देवी धाम की काफ़ी मान्यता है। अंदर में हम प्रवेश करते हैं तो जहाँ पर माता वैष्णो देवी का विशाल मूर्ति जहाँ पर बनी हुई है, उसी के नीचे माँ वैष्णो देवी मंदिर भी बना हुआ है। उस मंदिर के अंदर सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। सुंदर मंदिर, बड़े बड़े स्तंभ यहाँ पर लगे हैं, क्योंकि ऊपर में माता रानी की विशाल मूर्ति, उसके नीचे माता रानी का यह मंदिर चमत्कारी है, सब कुछ अद्भुत है। और यहाँ पर माता रानी की एक मूर्ति है जहाँ पर मैया की पूजा होती है, आरती होती है। सुबह शाम यहाँ पर माँ की आरती की जाती है, मैया को भोग लगाया जाता है। इस मंदिर का जो पूरा एरिया है, यह मंदिर 11 एकड़ की भूमि में बना हुआ है। किसी भी प्रकार की एंट्री फीस यहाँ पर नहीं ली जाती है, पूरी तरह निःशुल्क है और मैया के चरणों में समर्पित यह मंदिर श्रीमान जेसी चौधरी दिल्ली वाले, उन्होंने यह बनाया है। भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी, इन तीनों देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ पर विराजित हैं। हमारे पुराणों में जो कथाएँ हैं, उन कथाओं पे आधारित यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई है। यमुना जी और गंगा जी, इन दोनों की मूर्तियाँ भी यहाँ पर है। जब हम ये सब देखते हैं और ये देखकर हम आगे बढ़ते जाते हैं तो फिर हमें प्रवेश करना होता है गुफा के अंदर। गुफा में अंदर जब हम जाते हैं तो शुरू में अंधेरा है, सभी से अनुरोध है कि थोड़ा संभल कर चले। नीचे पानी बहते रहता है, एक अलग सा फीलिंग होता है। सबसे पहले
यहाँ पर हम गणेश जी के दर्शन करते हैं। गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि विराजित है, गणेश जी की सुंदर मूर्ति यहाँ पर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो जो हमारे नव देवियाँ हैं, नव दुर्गाएँ हैं, उनकी यहाँ पर मूर्तियाँ विराजित है इस गुफा के अंदर, यह देखने लायक है। तो सबसे पहले गणेश जी, उसके बाद माँ वैष्णो देवी शेरावाली, उनके दर्शन हम करते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद आती है शैलमुखी, शैलमुखी माता के दर्शन हम करते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो अगले जो माता रानी है वो ब्रह्मचारिणी, जो माँ का दूसरा रूप है, उनके हम दर्शन करते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरा रूप आता है चंद्रघंटा, चंद्रघंटा देवी का हम दर्शन करते हैं। ये सभी माता रानी के नव दुर्गाएँ हैं, नव रूप है मैया के। उसके बाद कुष्मांडा, माँ कुष्मांडा के हम दर्शन करते हैं और कंटिन्यू मन से जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी का स्वर निकलते जाता है, अंदर से आवाज़ आते रहती है जय माता दी, जय माता दी का। कुछ सीढ़ियाँ हमें चढ़ना होता है अंदर में, बहुत सुंदर गुफा बनी हुई है, अच्छा लगता है। और हम अब हम आ गए माँ के चरणों में, हनुमान जी विराजित है। यह 141 फीट ऊंची माँ वैष्णो देवी की मूर्ति, जिसका नाम इमका बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, मैया के श्री चरण यहाँ पर विराजित है। हम श्री चरणों के दर्शन करते हैं। इस मंदिर के निर्माण का कार्य 2003 में शुरू हुआ था और 2010 में यह मंदिर बनकर तैयार हुआ। इस विशाल मूर्ति की हम प्रदक्षिणा कर सकते हैं, पूरे मूर्ति की हम प्रदक्षिणा करते हैं तो बहुत सुंदर दर्शन होते हैं यहाँ पर। वृंदावन में आप सभी से अनुरोध है कि जब भी आप वृंदावन जाओ तो वैष्णो देवी दर्शन, वैष्णो देवी माता के दर्शन जरूर करिए, इस मंदिर में जरूर जाइए। अब इसके बाद हम गुफा में एक साइड से गए, माँ वैष्णो देवी के चरणों के दर्शन किए, प्रदक्षिणा की और फिर नीचे आ गए गुफा में। अब अगला जो मैया का रूप है हम उसके दर्शन करते हैं, स्कंद माता, माँ स्कंद माता के हम दर्शन करते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, मैया के विविध रूपों के दर्शन, नौ रूपों के दर्शन यहाँ पर होते हैं। कात्यायनी देवी, कात्यायनी माता के हम दर्शन करते हैं। फिर वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, एक विकराल रूप, विराट रूप यहाँ पर दिखाई देता है, कालरात्रि माँ के दर्शन हम करते हैं। उसके बाद महागौरी, माता महागौरी के हम दर्शन करते हैं, एक अलग अनुभूति इस गुफा में होती है। और उसके बाद सिद्धिदात्री, माँ सिद्धिदात्री के दर्शन हम करते हैं। और अंत में भैरव जी, यहाँ पर भैरव जी के दर्शन किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ जहाँ पर मैया है वहाँ वहाँ भैरव जी विराजित है, भैरव जी के भी हम दर्शन करते हैं और इस प्रकार से हम गुफा से बाहर निकल जाते हैं। यानी आप समझ लीजिए कि आप एक साइड से गुफा के अंदर से जाते हो, फिर माँ के चरणों के पास जाते हो, फिर गुफा के दूसरे द्वार, दूसरे साइड से आप अंदर जाते हो और गुफा से बाहर आप निकल जाते हो। इस प्रकार का इस सुंदर यह मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ से आपको गुफा में एंट्री लिखा हुआ है वहीं से आपको प्रवेश करना है और जहाँ एग्जिट है वहाँ से आपको एग्जिट करना है। इस प्रकार के हम सुंदर दर्शन यहाँ पर करते हैं और गेट बहुत सुंदर बना हुआ है, ये एग्जिट का गेट है, यहाँ से हम मंदिर के बाहर निकलते हैं। कन्हैया के रूपों को यहाँ पर अंकित किया गया है, चित्रित किया गया है और इस प्रकार से हम लोग वहाँ से निकल पड़े। रास्ते में एक और मंदिर आता है जिसे लोटस मंदिर कहा जाता है। समय अभाव से हम लोटस मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन बाहर से हमने लोटस मंदिर के दर्शन किए। आप जब भी वृंदावन जाओ तो कृपया माँ वैष्णो देवी मंदिर, लोटस मंदिर, इन मंदिरों के दर्शन जरूर करिए, आपको बहुत आनंद आएगा।